हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है टाइमिंग क्या होती है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो सो गाइस इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं एंड टोटल मार्क्स होते हैं वो भी 150 होते हैं दैट मींस कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलता है उसके बाद जो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टू एंड हाफ आवर्स की टाइमिंग होती है इस टेस्ट में और इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सो so गाइस अगर आप टेट uh, की प्रेपरेशन कर रहे हैं और अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप करना है या छोड़ना है आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सो गाइस अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से आता है और आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कौन सेक्शंस में कितने कितने मार्क्स होते हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस इसमें आपके टोटल फोर सेक्शंस होते हैं और जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडोलोजी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो गाइस अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर आपने बी कर ली है या आप बी कर रहे हो तो ये जो बुक्स हैं इनके नाम आपने पढ़े होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेरोलोजी ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की साइकोलॉजी की बुक है टीच एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की साइकोलॉजी की बुक है सो so गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन फर्स्ट में साइकोलॉजी वाले सेक्शन में टोटल थर्टी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट क्वेश्चन वो आपके इन्हीं दोनों बुक्स में से पूछे जाते हैं लेकिन डीपली पूछा जाता है बिकॉज क्वेश्चन बीच में डीप होते हैं uh, उनसे बीच से उठा के पूछा जाता है अगर आपने uh, बी के दौरान इन बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली रिवीजन करके थर्टी में से ट्वेंटी फाइव तक क्या इससे अबव अब मार्क्स इजीली ले सकते हो उसके बाद अगर गाइस हम अपने सेकंड सेक्शन की बात करें तो हमारा सेकंड सेक्शन होता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो सिक्सटी होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो भी सिक्सटी होते हैं और मैक्सिमम जो क्या होता है कि इसमें जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है मैक्सिमम वो भी थर्टी मार्क्स का होता है और जो आपका फिजिक्स वाला सेक्शन होता है वो भी थर्टी मार्क्स का होता है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस थोड़े मिक्स्ड हो जाते हैं कि जैसे थर्टी मार्क्स की केमिस्ट्री ना पूछकर थर्टी टू मार्क्स की केमिस्ट्री पूछ ली या थर्टी टू मार्क्स का फिजिक्स पूछ लिया या केमिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चन एक दो कम कर दिए तो टोटल आपको सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो थर्टी थर्टी मार्क्स के ही होते हैं दोनों सेक्शन तो अगर आपको तैयार करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सेक्शन को सो so, आपको फिजिक्स के लिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो प्लस वन और प्लस टू की एनसीईआरटी -E बुक्स होती हैं जिनको आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ रखा है उन्हीं को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे तो वहां से आपका ये सेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा वैसे तो टैट में थोड़ा हाईलाइटेड पूछा जाता है लेकिन गाइस अब आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्पलीमेंट हो गई है हिमाचल में सो so, अब ऐसा हो गया इन्होंने क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया है अगर आपने 2020 जून ट्वेंटी ट्वेंटी का जो टैट का क्वेश्चन पेपर था वो देखा होगा या टैट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें फिजिक्स वाले सेक्शन में तीन से चार तो नोमेरिकल ही पूछ लिए जाते हैं और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी ज्यादा नहीं होते हैं दो से तीन ही होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो डीपी पूछे जाते हैं अगर आपको उनका आंसर करना है तो आपको प्लस वन प्लस टू की जो बुक्स हैं एन सीई आर टी बुक्स हैं उन पर जाना ही पड़ेगा और स्टडी करना ही पड़ेगा उन्हें इससे क्या होगा कि एक तो आपकी डेट की प्रेपरेशन हो जाएगी और दूसरा आपका कमीशन का भी प्रेपरेशन हो जाएगी और जो आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है सो तो इसमें भी वही होता है कि अगर आपको थोड़ली पढ़ना है या डिग्री स्टडी करना चाहते हो तो प्लस वन और प्लस टू की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं Uh, आप फॉलो कर सकते हो फिजिक्स uh, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं मॉडर्न uh, की बुक भी अच्छी है और दिनेश की बुक भी अच्छी है तो दोनों बुक्स को आप देख सकते हो अगर आपको केमिस्ट्री के uh, वाले सेक्शन की प्रेपरेशन करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि जो प्लस वन और प्लस टू की जो बुक्स होती हैं उनको डीपली स्टडी करना है बिकॉज केमिस्ट्री वाले सेक्शन से भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी जो इस बार का जो टैट हुआ था उसमें तो मैंने देखा था जैसे आपने एनालाइज किया होगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन था वो तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो जो जर्नल जीके की जो बुक होती है लूसेंट की बुक देखी थी मैंने तो लूसन की बुक में जो जर्नल केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब ज्यादा नहीं तो थर्टी में से ट्वेंटी क्वेश्चन तो वहीं से थे तो आप बोल सकते हो कि वो वहां से काफी पूछा जाता है पर जब अब न्यू पैटर्न आने वाला है आने वाले टाइम में तो आपको बेटर होगा कि अगर आप डीपली पढ़ें प्लस वन प्लस टू की बुक्स पढ़ें और उनमें अगर आप प्लस वन प्लस टू की बुक्स पढ़ते हो तो फिर तो आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन पर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां से आपका टोटल ही कवर हो जाता है सो so गाइस आपका थर्ड सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का ये भी थर्टी मार्क्स का आ, सेक्शन होता है और इसमें टोटल थर्टी क्वेश्चन होते हैं आपके और हर एक क्वेश्चन का आपको पता ही है वन मार्क्स का होता है तो जो मैथ वाला सेक्शन होता है गाइस इसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले तो पूछे जाते थे जो टेंथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते थे टेंथ तक के वो क्वेश्चंस पूछे जाते थे लेकिन अब थोड़ा सा इस बार पैटर्न में चेंज हुआ था 2020 के क्वेश्चन पेपर में तो उन्होंने जो प्लस वन प्लस टू का जो ट्रिग्नोमेट्रिक uh, फंक्शंस की इंटीग्रेशन होती है डिफ्रेंशिएशन होती है वहां से क्वेश्चन पूछे थे तो आपको क्या करना है कि अब साथ में आप आ, अगर आप बी एड कर रहे हो और अगर टी जी टी नॉन मेडिकल के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो आपका टेंथ स्टैंडर्ड तक का तो मैथ्स ठीक ही होगा तो आपको क्या करना है कि वन टू के मैथ्स को भी साथ में पढ़ते जाना है अच्छे से डीपली ताकि आपको आसानी हो बिकॉज आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी को कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकती है और फिर क्वेश्चंस भी ही पूछे जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं कि हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे सो so आपको डीपली स्टडी करना अभी से शुरू कर देना चाहिए और आपका जो लास्ट सेक्शन है गाइस वो होता है जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज सो गाइस आपका ये सेक्शन भी थर्टी ही मार्क्स का होता है और इसमें भी थर्टी क्वेश्चन होते हैं सो so, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश के पूछे जाते हैं जैसे हिस्ट्री से भी पूछ लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़े बहुत और जो करंट अफेयर होते हैं एचपी के उनको भी पूछ लेते हैं करंट अफेयर में आपका जैसे जो मिनिस्टर्स बने होते हैं या फिर इंडिया में जो मिनिस्टर चेंज हुए जैसे कोई न्यू स्टेट बनी तो वहां पे जो मिनिस्टर बने या चेंज हुए वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज का तो आपको पता ही होगा जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे होते हैं सिंपल क्वेश्चन होते हैं और साथ में आपका आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और साथ में हिमाचल प्रदेश जीके में से जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट होता है प्रशासन वाला जो पार्ट होता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं so, सो एक से दो क्वेश्चन तो आपके वहां से पक्का हर बार ही बनते हैं और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इंडिया जीके में से वहां से भी आपके जैसे राज्यसभा से रिलेटेड लोकसभा से रिलेटेड कई बार आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं तो वहां से भी आपका एक से दो क्वेश्चन हर बार बनते हैं और कई बार इम्पोर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट डेज कब मनाए जाते हैं ये पूछ लिया जाता है लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है तो अब आपने मैक्सिमम टेस्ट में देखा होगा कि इम्पोर्टेंट डेज की डेट्स नहीं पूछते हैं लोग नहीं पूछते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो थीम्स होती हैं उन इम्पोर्टेंट डेज की उनको पूछते हैं सो so, आपको क्या करना है कि डेट्स के साथ अब से थीम्स जो होती हैं उनको भी लर्न करना शुरू कर देना है सो so, गाइस ये था आपका फुल सिलेबस डीजीटी नॉन मेडिकल का टेट के लिए सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू